हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लायरिकली एलवाई के वीडियो को अपनी गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, लायरिकली एलवाई के वीडियोस अगर आप बनाते हैं, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानते कि आप इसको गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको आज के इस वीडियो में बस वही बात बताने वाला हूँ कि आप उस वीडियो को किस तरीके से अपने गैलरी में सेव करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, साथ में पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लायरिकली के वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक वीडियो बनाना होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसे बनाना है वो तो अभी आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एक वीडियो में अलग से बना के रखा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो बना लेता हूँ और उसके बाद आपको बताते हैं इसको आपको गैलरी में कैसे सेव करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट बन चुका है। दोस्तों, अब इसको आपको गैलरी में कैसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है इनशॉट। दोस्तों, वो एप्लीकेशन का आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, साथ ही दोस्तों उसी एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जब कि आपको इसको डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखिए तीन डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा है, वो तीन डॉट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप तीन डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इनशॉट एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके रखा तो यहाँ पर उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, आपका जो लायरिकली का वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको कैनवास यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा। पहले देखिए फुल होगा, फिट होगा, तो आपको यहाँ पे नौ फ्रेम पर क्लिक कर देना, ठीक है। नौ फ्रेम पे क्लिक कर दोगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इस तरीके से आने के बाद दोस्तों, जो आप यहाँ पे अगर आप अपना कोई लोगो लगाना चाहते हैं, लोगो भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे लोगो लगा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे टेक्स्ट पे चले जाइए। टेक्स्ट पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दीजिए अपना जो भी नाम है वो। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, रियल टच फ्रेंड्स। और फिर नाम लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, इसको यहाँ पे आपको कर देना है, जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख दीजिए दोस्तों, और फिर कर दीजिए ओके। तो दोस्तों राइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों, इसको गैलरी में सेव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। दोस्तों, यहाँ पे जो सेव लिखा है उसके ऊपर सेव के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, और सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप फिर से सेव पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों आप इसकी जो आप जो भी क्वालिटी में आप सेव करना चाहते हैं वो क्वालिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों उसके बाद जैसे आपका वीडियो जो है कन्वर्टिंग वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, और दोस्तों जैसे यहाँ पर 100% हो जाएगा दोस्तों ये, तो दोस्तों जैसे 100% हो जाएगा ये जो वीडियो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो MX Player में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनशॉट का एक अलग से फोल्डर आ चुका है। दोस्तों, इस फोल्डर में हमारा जो वीडियो था दोस्तों वो वीडियो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लायरिकली के कोई भी वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।